वो दोनों समझ रहे थे वहां बैठ के, मुस्कुरा रहे थे को बेकूफ बना रहा है। एक भी काम गिनता खाली मोदी गारंटी, मोदी क्या गारंटी, महंगाई बढ़ा हुई गारंटी, राम भगवान असली भगवान है तो देखेगा, बस्तर का आवाज गूंजेगा, बस्तर बस्तर का विकास गंगा बोआ हुआ। इतना कॉन्फिडेंस है जीत को लेकर? जीत को 116%, अभी 12 बोला, धीरे धीरे बढ़ रहे 16। तो प्रत्याशी कवासी लकमा आज हमारे साथ है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है, राहुल गांधी ने आज घोषणा की है कि 1,00,000 रुपए हम सालाना महिलाओं को देंगे, कितना कारगर साबित होगा इस चुनाव में? मैं वही बात बोलता हूँ, देश का प्रधानमंत्री आता है छोटे अमाबाल में, 10 साल का प्रधानमंत्री बोलता है मैं बस्तर में ये किया है, कोई तो एक काम बताता, बाथरूम बनाया हो, कहीं इंद्रावती में पुल बनाया हो, इतना बोला जरूर। मैं बलिराम दादा से बहुत संबंध है, वो जिंदा है ही नहीं, ऊपर है, अगर संबंध है तो उसको मरने में नहीं आया, चट्टी में क्रियाक्रम में नहीं आया, कैसा संबंध? एक मंत्री बैठा है वहाँ, पूर्व सांसद बैठा है, उनको तारीफ नहीं कर रहा, अरे इतना समझ है तो दिनेश का टिकट को काटा, वो दोनों समझ रहे थे वहाँ बैठ के, मुस्कुरा रहे थे को बेकूफ बना रहा है। तो इसलिए एक भी काम गिनता खाली मोदी गारंटी, मोदी क्या गारंटी, महंगाई बढ़ा वही गारंटी, 15 लाख नहीं दिया वही गारंटी, नौकरी नहीं दिया बेरोजगार दे दिया वही गारंटी, हिंदुस्तान के जनता समझती है जानती है। हमारा नेता आया, नेहरू गांधी परिवार के लोग आते हैं कभी भी, राजू गांधी बोला था पंचायती राज करूंगा, और इंदिरा गांधी आई बट्टी बंद कराऊंगा, गाय मसूल को बैला मसूल बंद करूंगा, चोई चाटी खोलूंगा कोली, सोनिया गांधी का नेतृत्व का सरकार, जंगल जमीन का पट्टा आदिवासी को देऊंगा दी, और मरेगा कानून लागू करूंगा की, फूड कानून लागू किया की, यार मैं गांव में जाते बोलता हूँ 10 साल में बीजेपी ने क्या किया, हाथ उठाओ कोई जानता है तो मैं 500 रुपया दूंगा बताओ, 10 रुपया दूंगा, 10,000 दूंगा बताओ, कोई नहीं बताते हैं, 10,000 के लिए नहीं सुनते हम, वहाँ पता ही नहीं तो हम क्या बताएंगे, बोलते हैं सिर्फ दो काम जानते हैं उन लोग, नोटबंदी GST, उसके अलावा कुछ नहीं किया, RIDT में उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो उस आदमी को इस समय हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है, इंडिया गठबंधन दिखे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए हर महिला इस गरीब लोग को उठाना है, 1,00,000 रुपए देंगे, 1,00,000 कर्जा माफ, हिंदुस्तान का कर्जा माफी होगा। मोदी तो कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनाया, राम मंदिर बनाया, उद्घाटन किया, कहे वाह भाई दूध पी रहे क्या, वहाँ भी मंदिर में कौन उद्घाटन करता है, यहाँ बड़े बड़े पंडित लोग क्या बोलते हैं उनको, शंकराचार्य, मंदिर में वो करना है क्या, ये अपने परिवार में दुख हुआ है, ये बाल नहीं उतारा, चूहा सूत में जाके हुआ किया है, उसका लाभ मिलेगा? अगर मंदिर मस्जिद में पति पति जाके बैठते हैं, पंडित लोग पूजा करते हैं, वो है पलता है पुलता है, ये तो राजनीति के रोटी चखने के गया, ये वही नुकसान होगा, राम भगवान असली भगवान है तो देखेगा। मैं तो गए नहीं हूँ, मेरा पत्नी मेरा बहू मेरा बेटा को मैं भेजा था, तुम राम मंदिर जाके देख के आओ, हम भी भगवान को पूजा करते हैं, मेरा नाम लखमा राम है, राम को हम पूजते हैं, तो इसलिए मैं भेजा, वो तो मेरा पत्नी जाके बोलती है वहाँ तो मंदिर बने ही नहीं है, 5 साल लगेगा, क्यों पूजा की अभी दादू रही है, वो मेरा डोकरी बोलती है घर में, वो पूजा की बता, उद्घाटन किए बता, यही गारंटी है, अधूरा बिल्डिंग पर उद्घाटन करो, बढ़ कर काम नहीं आएगा भारतीय जनता पार्टी को, उसको डूबाएगा, ले डूबाएगा, जो आदमी असली पूजा नहीं किया उसको ले डूबाएगा। राम मंदिर अभी कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। कितना चुनौती मानते हैं महेश कश्यप? महेश कश्यप, मैं उस दिन गया था उसके गांव में, वो गांव वाले बोलते रहती चोर, जो बैला कोई ले जाता है तो उसको डराता है, उसको दूसरा को भेज देता है, ये लोकसभा है, लोकसभा गांव का ग्राम पंचायत नहीं है, यह जिला पंचायत बस्तर का नहीं है, विधानसभा छत्तीसगढ़ का नहीं है। मैं 20 साल 25 साल से 37 साल के संघर्ष किया, भोपाल में 320 विधायक थे या 90 विधानसभा में, 70 को भी देखा हूँ, प्रतिपक्ष को देखा हूँ, इसलिए मैं मेरे को लोकसभा में जाऊंगा,
चूरू में देखना बुलंद आवाज छा, बस्तर का आवाज़ गूंजेगा, बस्तर का विकास गंगा बोवांगा। इतना कॉन्फिडेंस है जीत को लेकर? जीत को 116%, अभी 12 बोला, धीरे धीरे बढ़ रहे 16। ये थे हमारे साथ अपने पुराने अंदाज में और कई तरह की चुटकियां लेते हुए कहा कि हम 116% हम जीत रहे हैं, बस्तर की आवाज़ संसद में दहाड़ेगी और हम बस्तर की आवाज़ लेकर दिल्ली तक जाएंगे और बस्तर का पूरा विकास करेंगे। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, जगदलपुर।